أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين محمد واله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعن على اعدائهم من يوم عداوتهم الى يوم الدين. हमारी گفتگو نهج البلاغه کے بارے میں ہے البلاغه کی مختصر شناخت پیش کرنا ہے۔ کہ نحج البلاغه کے ہر موضوع کے मौला का क्या नज़रिया है मुख्तसर शक्ल में नाजरन की खिदमत में पेश करना मद्द नज़र है ज़ाहिर ये इजमाली तशरी और माल है ताकि खुद साम नाह बलगा के शौक़ पैदा हो जाए और नाह बलगा की तरफ ज़्यादा से ज़्यादा तोजह दे इस किताब की अहमियत के हवाले से चंद जुमला आपकी खदमत में अर्ज है ये किताब अकवाल के मजमु का नाम है अली इस्लाम में पैगंबर के बाद सबसे अहम शख्सियत है इसीलिए कुरान और हदीस के बाद अली के कलाम सबसे ज़्यादा मतबर है अली की अजमत बाकी अब और ताबइन से कहीं ज़्यादा है इसलिए कि उनके का अली के इलम के साथ मुजना नहीं किया जा सकता इबन अबिल हदीब नाशिर अबलगा के मशहूर शार् जिनका तल्ल़ सुन्नी मजहब से है कहता है कि अली के इलम और तम अली ने जो कुछ तोहद के बारे में बयान फरमाया है और बारह हज़ार सहाबा ने जो कुछ बयान फरमाया है अगर उनका मुजन किया जाए तो आसमान वज़मीन का फ़ासला है इसीलिए अली, अली, अली इस सलाम का कलाम सबसे अहम ममबा है कुरान और सुन्नत रसूल ख़ुदा के बाद और इसीलिए इस्लाम समझने के लिए अली के कलाम की तरफ़ हमें रजू करना होगा अली के कलाम को दोबारा माशरे में ज़िंदा करना हमारी ज़िम्मेदारी है मारिफत के हवाले से अमल के हवाले से हर हवाले से अहल दुनिया को नजात दे सकता है ये कलाम लेकिन सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी है मौला का ये कलाम सबसे अहम कलाम है इसके अतराफ़ सब ने किया है इबन अबिल हदीत कहता है अगर अली के खुतबा दो सौ इक्कीसवा खुतब के सामने सुनकर अगर तमाम अरब के फसहा और बल बलगा सजदे में जाए सजदरीज हो जाए कोई तजुब की चीज़नी हक़ में पर फा हुसैन मिस्र के अजीम अदीब जो असर हाजिर में उसके मानंद कोई नहीं है कहता है कि अली के वो कलाम जिसने फरमाया फरमायाकल मलबूसन अलेक एक आदमी आया अली की खिदमत में जंग जमाल के बाद और कहा या अली हक़ किस तरफ है उस तरफ भी बुजुर्ग सहबी है इस तरफ आप और हज़ारों सही है हक़ किस तरफ है तो फरमाया तुम अफराद के जरिए आदमियों के ज़रिए हक पहचानने की कोशिश ना करो बल्कि हक़ के जरिए आदमियों को पहचानने की कोशिश करो इ नकल मलबूस अरफिल हक तारफ अहल तुम ग़लती पर हो हक़ को पहचानो फिर हक वालों को तुम पहचान लोगे ये अलीम का ये जुमला तःसन कहता है कि अगर कलाम खुदा के बाद ऐसी जुमला ऐसा जुमला किसी ने नहीं, नहीं सुना है किसी ने नहीं, नहीं कहा है अगर हम कहेंगे तो कोई ख़ास बात नहीं है तो सारे बुज़ुर्गान का एतराफ़ एक अंग्रेज़ मुफ़िर कहता है कि अगर इस वक्त अली होते तो मस्जिद कोफ़ा में अली के खुब सुनने के लिए अरब के बजाय सारे अंग्रेज़ मगरब वाले आ जाते तो ये कलाम अजीम कलाम है इसी कलाम के आसार को देख कर, जाम एयत को देख करम को देख कर कुछ लोगों ने इस कलाम में शुभ डालने की कोशिश की है शेख को शुभा करने की कोशिश की है शेख मोहम्मद अब्दू जो मिस्र के अजीम आलम गुजरे हैं और शनाख्त शुदा है सब के खदमत में सब के पास वो कहता है कि कलाम खुदा व कला रसूल के बाद सबसे ज़्यादा इलमी और जाम कलाम अली का कलाम है तो अली की अजमत नाहजुलबलाग में महदूद नहीं है लेकिन बलागा अली के अजमत, अली के अजमत अली के अदबी अजमत के एक शाहकार है यकीनन इस बिना पर लोग कोशिश करते हैं इस नहजलागत को की तकजीब करने की और ये कहने की कोशिश करते हैं अदीम ज़माने से ये कहने की कोशिश की है कि नहज बलागा का अली से नहीं है अबनाबलब ने जब अपने उस्ताद से पूछा तो खसूस कुछ लोग नज़बल के अंदर जो खुतब शख श उसके बारे में यही कहते थे कि ये खुतबाली कनी सैद रजी ने अपनी तरफ से बनाया है और अली के तरफ नस्बत दी है तो उनको उसता है सैद रजी और उनके आबा व अजदाद ऐसा खुतब नहीं कह सकता ये खुतबा पूरा नज़ब्ल के शबी खुब है और अली ही के ज़बान से निकल सकता है तो इस हवाले से ये कलाम ऐसा कलाम है और ऐसे इलमियत का हामिल है इनकार करने वाले तकजीब करने वालों का हदफ ये है कि अगर साबित हो जाए ये कलाम अली है तो अली की आजमत होती है अली के आजमत होने से मजहब तशैय के हकानियत होती है इसीलिए कोशिश करते हैं इस कलाम को इस खुद किताब की नस्बत को जुटलानी की या कम अज़ कम किताब को न जुटला सके तो कम अज़ कम किताब के अंदर खुदब जैसे खुदबों को जु, जुटलाने की कोशिश करते हैं ताकि मजहब शया के हकानियत साबित न हो लेकिन तमाम ये तमाम कोशिशें नाकाम हो गई है और दुनिया इस किताब के सामने इस कलाम के सामने झुक गई है जिसने भी नजर बल्ला के मुाले किया नजर की अजमत का एतराफ़ किया इसीलिए सुन्नी शिया सब ने इस किताब पर शरा लिखा सब इसके अजमत को मानते हैं कदीम ज़माने से मानते चले आ रहे हैं बन उमिया का बहुत बड़ा अदीब कातिब था जब उससे पूछा गया कि तुम्हारा अदब की ये तरक्की ये अजमत कहाँ से कहा कि मैंने अली के खुदबात याद किए इसलिए वहाँ से मैंने ये अदब हासिल की है तो अरे ये कर रहा था कि नजर की ये अजमत है इसका कोई इनकार नहीं कर सकता है लेकिन कोशिश की है नाकाम कोशिशें की गई है ताकि इसकी नस्बत को ख़त्म करें लेकिन अभी मतदद किताबें लिखी गई है खूस नजबलगा फाउंडेशन की तरफ से कि वहाँ पर साबित किया कि हर खुतबा नाह अबलगा के अंदर मौजूद हर खुतबा हर ख़त सैद रजी के पैदाइश से पहले तालीफ होने वाली तस्नीफ़ होने वाली किताबों के अंदर है वो भी आम मुसलमानों के किताबों के अंदर है ये साबित हो गई है इसीलिए पहला जवाब यह है कि नहजुलबलागा के तमाम खुतबों के सनत महफूज है एक दूसरी बात यह है कि नहजुलबलागा ख़ुद अपनी हकानियत के ऊपर गवाह है आफ्ताब आमद दलील आफ्ताब अभी देखिए क़ुरान मजीद कला खुदा होने पर गवाह क्या है सनत है कुरान कुरान करी मजद के अजमत फसाहत और बलागत खुद शाहिद है ये कलामुल्ला है कलाम बशर नहीं हो सकता इसी तरह से अली के कलाम ना न की जो फसाहत बलागत है वो शाहिद है कि अली के अलावा किसी और का कलाम नहीं हो सकता देखिए एक आमी किताब एक आमी किताब के लिए वही काफ़ी है उसके हकानियत को साबित करने के लिए उसके अलावा और एक नुकतः है नुक़ँ यह है कि नज़र उलबला के अंदर जो मतालब मौजूद है उनमें से नवे या पचानवे फ़ीसद नजर अल्ला के अंदर जो मतालब मौजूद है उनमें से पचानवे फ़ीसद नबे फ़ीसद का ताल्लुक हमत से वाजो नसीहत से मुारफ से है जिनको दलील के जरिए इस के ज़रिए सबित कर सकते हैं और उसके हकानियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं सनत के बग़ैर भी वो फ़लसफ़ी किताब अगर आप मानते हैं तो उसकी दलील को देखते हैं सनत की ज़रूरत नहीं रहती है एक शेर के अजमत को अगर मानते हैं सनत की ज़रूरत नहीं रहती है उसकी शेर की फसाहत बलागत से अंदाज़ा होता है ये शेर किस पाए का है इसी तरह से नहज नहजुलबला के अंदर जो मतलब है वो मतालबमत के बातें हैं उसमें हकमत की बातें हैं वाज़ के बातें हैं क़ुरान के बातें हैं इसीलिए सनत के बगैर भी नहजुलबला का हजत है इसके अलावा बलागा के आजमत और अली के होने के और एक दलील ये है कि आप देखिए सैद रजी की अज़मत को सब मानते हैं सैद रजी जिसने नहज बलागा के खुद को एक किताब के अंदर अली के खुब को अली के खतूत को अली के क़सार को एक किताब के अंदर जमा किया उसकी पाकि और तहारत नफ्स को तमाम मुसलमान मानते हैं तारीख में पढ़िए सैद रजी के जो मकाम है इल्मों ईमान के हवाले से वो भी गवाह है कि सैद रजी इस किताब के अंदर कलाम में अली को पेश करते हैं नहीं कहते हैं, रिवायत हुई है अली की तरफ़ से बल्कि कहते हैं अली ने फरमाया है अली के खुदबा है यानी उसे यकीन है कि ये खुतब अली के हैं ये ख़तूत अली के हैं इसीलिए सैद रजी जैसा काबिल अहतमर सच्चे इंसान रवायत की शक्ल में नकल नहीं करते इतमान के साथ नकल करते उसके अलावा अगर सैद रजी कोई आदमी इतने मीर इतने बुलंद मीर के मतालिप अगर उसके पास हो क्यों दूसरे की तरफ नस्बत दें अपनी तरफ नस्बत दें लोग दूसरों को ूम को चुराते हैं चोरी करते हैं अशार को चोरी करते हैं तो अगर सैद रजी के पास ऐसा इलम का सरमाया होता तो क्यों अली की तरफ नस्बत दें अपनी तरफ क्यों नस्बत ना दे देते तो इस तरह के बहुत से अदिल्ले हैं उन अदिल्ले के साये में और सबसे अहम यह है कि तमाम खुदबह नजबलागा ख़तूत नाहजुलबागा कलमात कसार नाहजबलागा के असनात अभी मौजूद है इसमें कोई मुश्किल नहीं सिर्फ इनकार करने वाले दर हकीकत अपने मजहब को बचाने के लिए नाकाम कोशिश करते हैं तो ये एक अर्ज अब असलम खुद अपने कलाम के बारे में फरमाते हैं इन् उम्राकाम हम कलाम के अमीर हैं, कलाम के रेशे भी हमारे अंदर है हमारे खानदान में है कलाम के शाख भी हमारे अंदर है यानी कलाम को तशवीश एक दरख्त के साथ जिसके रेशे भी आले मोहम्मद के ख़ानदान में उसके शाखें भी आले मोहम्मद के ख़ानदान में यानी पूरे का पूरा कलाम और फसाहत और बलागत अली और आले अली के पास और तारीख गवाह है कि इनसे बेहतर किसी ने बात नहीं की है इनकी फरमाइशात अपनी हक़ानियत के ऊपर दलील है मौला अमीरमिन ने मुख्तलफ मौजात में गुफतु की है उन मौजात में से एक तोहहीद है. सबसे अफजल मारिफत तोहैद है क्योंकि वो इम अफजल है जिससे सबसे ज़्यादा इंसान की शहादत वाबस्त हो तो मारफत खुदा से इंसान की दुनियावी और उरवी शहादत वस्स्ता है इसीलिए तोहद और खुदा के मारफत सबसे अफजल है अली ने सबसे से ज़्यादा नहजुलबलागा में तोहद के बारे में बात की है और खुदा की वजूद के ऊपर खुदा के वदानियत के ऊपर खुदा के सफ़ात के बारे में अली ने नहजुल में बहुत कुछ बयान फरमाया है अलैहिस्सलाम आप जानते हैं कि तौहीद के हवाले से खुदा के हवाले से इस बात खुदा के हवाले से क़ुरान मजीद ने जिस बुरहान से सबसे ज़्यादा इस्तादा किया आप जानते हैं खुदा के इस बात के लिए फ़लसफ़ी बराहिन बहुत है लेकिन उन बराहिन में से एक बुरहान नज़म है नज़म के ज़रिए खुदा को साबित करना ने भी अगर जो क़ुरान ने फलसफ़ी बराहीन की तरफ़ इशारा किया है लेकिन जिस बुरहान का सबसे ज़्यादा ज़िक्र किया है बुरहान नज़म है बुरहान नज़म का मतलब ये है एक सिस्टम की वजह से समझ में आता है कोई सिस्टम बनाने वाला फ़र्ज कीजिए एक जगह पर ईंट इंटें हैं सीरिए हैं और क्या नाम लोहे हैं खिड़कियाँ हैं दरवाज़े हैं सब कुछ है पड़ी हुई है एक जगह पर आप वहाँ पहुँचते हैं देखते हैं कि ये सारी चीज़ें इधर पड़ी हुई है चंद कदम आगे बढ़ जाते हैं देखते हैं कि एक मकान है जो खड़ी है अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है जिसके दरवाज़े हैं जिसकी खिड़कियाँ हैं जिसमें संग मरमर लगे हुए हैं पंखे लगे हुए हैं शीशे लगे हुए हैं दर व देवार है और रोगन है सब कुछ है उसको देखकर आप देखते हैं कि जो कुछ सामान चंद दम पहले पड़े हुए थे वही सामान इस मकान में भी मौजूद है फ़र्क इतना है कि इस मकान में हर चीज़ अपनी जगह पर है खिड़की अपनी जगह पर दरवाज़ा अपनी जगह पर ईंटें अपनी जगह पर छत अपनी जगह पर दीवारें अपनी जगह पर पंखे अपनी जगह पर तारे अपनी जगह पर हर चीज़ अपनी मुनासिब जगह पर होने से अंदाज़ा लगाते हैं कि इस मकान को एक माहिर मेमार ने बनाया है रहाइश के लिए नज़म का मतलब यही है कि चंद चीज़ों को इस तरीके से सेट किया जाए कि एक मकसद हासिल हो यानी इस आदमी का मकसद रहायश है रहायश के लिए इन वसीलों को लोहा मिट्टी लोहा मिट्टी सीमेंट और फर्श की खिड़कियाँ इन सब को इस तरीक़े से सेट किया है कि मकान बन सके और रहायश के काबिल बन जाए तो उसको कहते हैं बुरहान नजम यहाँ समझ में आता है कोई हस्ती है कोई आदमी है जिसने इस मकान को बनाया है इसलिए कि हर शे अपनी मुनासिब जगह पर है लेकिन उससे चंद मिनट पहले जो आपने पड़े हुए सामान को देखा उसको देखकर आप अंदाज़ा लगाते हैं कि गाड़ियाँ ला कर इन चीज़ों को यहाँ पर छोड़ दिया है और किसी खास मकसद के तहत इसको इधर सेटनी के सेट ही नहीं हुई है तो खुदा ने क़ुरान मजीद में कायनात के इस निज़ाम को पेश किया है पेश करके कि फरमाता है कि इस निज़ाम से मालूम होता है कायनात को कोई खालिक है बुरहान बुरहानसम की खूबी यह है कि बुरहान बुरहानसुम पता चलता है कोई हस्ती है जिसने इन चीज़ों को सेट किया और जिसका मकसद है जिसके पास इलम है फर्ज को यही मकान जब मकान के चीज़ों को मनज़म तरीक़े से सेट किया अंदाज़ा होता है कोई हस्ती है कोई इंजीनियर है कोई महमार है जिसने हर चीज़ को अपनी मुनासिब जगह पर रखा एक उसके पास इलम था दो उसके पास ताकत थी ये काम करने के, तीन उसके पास एक मकसद था रहाइश के चार ये चार चीज़ें साबित हो जाती है बुरहान नज़म से तो बुरहान नज़म वो बुरहान है जिसको एक फीलसु भी समझ सकता है आम आदमी भी समझ सकता है इसमें मारफत तो खुदा का बास भी है खुदा की महब्बत का भी अंदाज़ा होता है खुदा के म का भी अंदाज़ा होता है खुदा के कुदरत का भी अंदाज़ा होता है खुदा के वजूद पर भी होता है इसीलिए बुरहान नज़म को कुरान पेश करता है मौला अमीरमिन भी बलागा में मुख्तलिफ़ मकामात पर बुरहान नज़म से मदद हासिल करते आप देखिए चोंटी की मौला चोंटी के वजूद के अंदर जो नजम है उसको पेश करते हैं शहद की मक्खी के वजूद के अंदर जो नजुम उसको पेश करते हैं मोर के वजूद के अंदर जो नजम है उसको पेश करते हैं टिड्डी के वजूद के अंदर जो नजम है उसको पेश करते हैं चमगाडर के वजूद के अंदर जो नजम, जो नजम है उसको पेश करते फिर कुल कायनात में जो नजम है उसको पेश कर फरमाते इस नजुम से से पता चलता है कि इस कायनात का कोई हालक है जिसके पास इल्म है जिसके पास कुदरत है जिसने एक खास मकसद के लिए इंसान को खल किया है ये आप देखिए इस कायनात में इस कायनात में सूरज और ज़मीन का फ़ासला डेढ़ सौ मिलियन किलोमीटर है अगर इस फासले से कमतर होता तो ज़मीन गर्मी की वजह से रहायश के का काबिल ना होती अगर ज़्यादा दूर होती ज़मीन तो सर्दी की वजह से रहायश के काबिल ना होती अब दूसरी बात यह है कि अब सूरज का और एक फ़ायदा यह है कि दरियाओं पर समंदरों पर धूप पड़ने से बुखार उठती है भाप उठती है बुखार उठती है और बारिश का जरिया बनता है इसी तरह से चाँद और ज़मीन का फ़ासिले इतना है कि अगर इससे ज़्यादा नज़दीक हो चांद ज़मीन से तो ज़मीन के अंदर जो पानी है वो खुश्की पर आ जाती मद्दज़र की वजह से कशिश की वजह से पानी ऊपर आते और ज़मीन रहने के काबिल ना होता अगर चाँद बहुत दूर होता पानी बहुत नीचे चले जाता इतने फ़ासिले पर रखा कि क्या ज़मीन के लिए ये पानी काबिल इस्ता हो और खुश्की भी काबिल इस्ता हो अब ज़मीन के अंदर जो ऑक्सीजन है और डाईक्साइड कार्बन है इसके रबित देखिए अगर इंसान और जानवरों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है अगर सारे ऑक्सीजन से इस्ता करते जाए सारे ऑक्सीजन ख़त्म हो जाता है और ज़मीन रहायश का रहायश के काबिल न होती इसी तरह से आप देखिए डाई ऑक्साइड की ज़रूरत नबातात को है गयाान को है अगर वो इससे फ़ायदा उठाते जाए ये भी एक दिन ख़त्म होता तमाम ग्याहान ख़त्म हो जाते तमाम इंसान तमाम हैवान खत्म हो जाते खुदा ने ऐसा सिस्टम बनाया कि इंसान ऑक्सीजन लेता है उसको डाईऑक्साइड कार्बन में तब्दील करके माशरे को पेश करता है ज़मीन में फैलाता है इंसान और जानवर और, जा, और नबाता जो है डाईक्साइड कार्बन लेता है उसको ऑक्सीजन में तब्दील करता है यानी ऐसा सिस्टम बनाए कि ऑक्सीजन की मकदार भी हमेशा बरकरार रहे डाई कार्बन की मकदार भी बरकरार रहे और ऑक्सीजन की मेदार को अगर ज़्यादा खुदा खलक करता जितना है उससे ज़्यादा खल करता तो जहाँ कोई आग लग जाती तो आग बुझाना नामुमकिन होता तो इतने मेदार में खल ये कि इंसान की ज़रूरत भी पूरी हो जाए और आग का ख़तरा भी ज़्यादा न हो तमाम चीज़ें इस आलम में इस खास सोचे समझे मंसूबे के तहत है अब देखिए ये पहाड़ है अगर पहाड़ ना होते तो समंदरों से जो बुखार उठता ये बु बुखार बारिश में तब्दील ना होता अगर बारिश में तब्दील भी होता नहरों की शकिल में चश्मों की शकिल में दरियायों की शकल में न बहता ये एक दफ़ा ज़मीन में चला जाता लेकिन खुदा ने ऐसा सिस्टम बनाया कि ये बुखार चले जाए पहाड़ों के ऊपर से बर्फ़ और बारिश में तब्दील हो जाए नहरों की शक्ल में दरियायों की शकल में इंसानों की खेती बाड़ी के लिए कारद हो और उसके बाद इंसानों की तबीयत के अंदर खुदा ने ख्वाहिश रखी हब्बाद रखे अपनी जात से मोहब्बत उसकी वजह से इंसान काम करता है वरना इंसान के वजूद के अंदर काहिली है इंसान के वजूद के अंदर जब काहिली है काम नहीं करता चूंकि अपनी जात से मोहब्बत है क्योंकि इंसान के वजूद के अंदर काहिली के तबियात है आराम तलेबी के तबियत है इसका तकाजा ये है कि कुछ न किया जाए तारीख़ में अजीब वाक़ात हैं इंसान के काहली के दास्तानों के अजीब वाक़ात ख़ंदवर वाक़ात तो अगर इंसान के पास जात न हो तो ये मुमकिन इंसान के अंदर एक ख्वाहिश रखा कि अपनी जात को बचाने के लिए अपनी जात के लजाइज के लिए ये काम करे और साथ ही अक्ल दी शूर दी हवा से पन जगाने दिया ताकि ये काम बेनावा आसान अंजाम दे सके उसके बाद इंसान के अंदर जोजैन क्या इंसान के मुजक्र के अंदर मुन्स की नस्बत में शौक मनस के अंदर मुजक्र के नस्बत में शौक़ यानी जिनसी ख्वाहिहश रखा अगर ये ख्वाहिश न होती इंसान नी नस्ल खत्म हो जाती आगे नहीं बढ़ सकती थी इंसान ने फितरत खुदा ने इन फितरत इंसान में ये सफ रखी ताकि ये आगे बढ़े तो इंसान शादी करता शादी करने के बाद अगर बच्चों की मोहब्बत इंसान में ना हो तो इंसान बच्चे दुनिया में ना लाता तो नस्ल इंसानी ख़त्म हो जाती तो खुदा ने ऐसा किया कि इंसान इस दुनिया में ज़िंदा रह सके इस ज़मीन पर ज़िंदा रह सके ज़मीन की नियामत फ़ायदा उठाए खुशगवार ज़िंदगी करे और इंसान की नस्ल आगे बढ़े तो बच्चों की महब्बत दिल में डाल दी ताकि उन, उन बच्चों की वजह से वो बच्चों की खदमत करे बच्चों की परवरिश करे बच्चों को बढ़ा दे बड़ा करे और उनके लिए हर कुर्बानी पेश करे, उनकी बेहतर तरबियत करे, उनके मुह, उनको मोहब्बत दे ये खुदा ने इंतज़ाम किया अब उसके बाद देखिए खुदा ने कैसा इंतज़ाम है माँ की शिकम में जब बच्चा ठहरता है और बच्चा निकलने के लिए तैयार हो जाता है उस वक्त माँ की छाती में दूध आता है माँ अलग है बच्चे अलग है लेकिन बच्चा जब दुनिया में आना चाहता है उसके मैदा कमज़ोर है हाजिमा कमज़ोर है दांत नहीं है तो खुदा ने माँ के पिस्तान में दूध का इंतज़ाम किया है और जैसे ही बच्चा खाना खाने के काबिल होता है दूध आने के सिलसिले भी बंद हो जाता ये इंतजाम है ये इंतज़ाम इलाही है इससे पता चलता है कि सिस्टम है इंसान को खलक किया है और इंसान की ज़रूरतों को पूरा कर रहा है ये अगर खुदा न हो को कोई और नहीं कर सकता था सिर्फ इंसान के आंखों का आप मुता करें उसी मुताल से आपको यकीन होगा के खुदा के अलावा कोई और ये काम नहीं कर सकते मौलामिन के खुदबा एक सौ पचासी में फरमाते हैं वह कदमा हवा इसी तरह से आसमान और हवा इसी तरह से पानी आंधियाँ चाँद सूरज नबाता शजर पानी पत्थर रात और दिन का आना अगर रात ना होती तो इंसान किस भला मुबतला होते दिन ना होता तो क्या होता और यह समंदर यह नहरें ये पहाड़ और ये चोटियाँ इसी तरह से मुख्तलिफ जबाने ये सब खुदा की निशानी निशानियाँ हर एक में आप गौर करेंगे तो खुदा के अजहमत की निशानी वहाँ पर मिलती है खुदा के अजमत की निशानी वहाँ पर मिलती है और खुदा के वजूद की दलील है इनमें से हर एक तो मौला उसके बाद फरमाते फलवे अनकर मुकद्र अफसोस है उस इंसान के लिए जो खुदा का इनकार करता है इन चीज़ों को हिसाब किताब के साथ बनाने वाले का इनकार करता है वजह-हदल मुदबिर तदबीर करने वाले हस्ती का इनकार करता है और उसके बाद मौला फरमाते हैं हल यकून बिना उन मिन गबान क्या कोई बिल्डिंग बानी के अलावा महमार के अलावा बनाने वाले के अलावा वजूद में आ सकती है और जनायत उनमिन ग जानन या अगर कोई जुर्म जनायत अंजाम पाता है कोई जुर्म कीर्ति के करने वाले के बग़ैर जुर्म होता है अगर कोई मारा जाए गोली लग जाए तो गोली मारने वाला कोई है तो मोला फरमाते हैं, देखिए अब मामूली चीज़ों में आप नहीं मानते हैं एक बिल्डिंग को एक कमरा को बल्कि एक पेंसिल को आप नहीं मानते कि ये पेंसिल खुद ब खुद वजूद में आ सकता है तो किस तरह से इस अजीम आलम के वजूद का आप इनकार करते तो मोला बुरहान नजुम के जरिए साबित करते हैं नहजब्बल्ला के मुखलिफ मकाम पर कि अल्लाह ताली के, अल्ला के वजूद को साबित करते हैं फिर मौला खुदा के सिफात के बारे में बयान किया है ये एक नुकता और दूसरा ये है कि नजबालागा में मौला फरमाते हैं कि खुदा की कामिल मारफत की कोशिश ना करो तुम महदूद हो उस लामहदूद को मुकम्मल तुम समझ नहीं सक फरमाते हैं कि لم يطلع العقول على تحديد معرفته ولم يحجبها عن واجب معرفته خدان إنسانٌ كعقول کو اتنا علم اور اتنی وسعت نہیں دی ہے लेकिन इंसानों के अक्ल को खुदा की इस माली मार्फत से महरूम भी नहीं किया है उसके बाद मोला खुद नंबर इक्यानवे में फरमाते हैं ला على قدر عقلك فتكون من फून खुदा को अपने अक्ल के बराबर न समझो जितना तुम समझ सकते हो उतना खुदा है अगर ऐसा हो तुम हलाक हो जाओगे खुदा ला महदूद है तुम महदूद हो लेकिन किसी हद तक खुदा को पहचान सकते हो कामिल पहचानना तुम्हारे बस के बाद नहीं है नजब बागा में जिस खुदा को मोला पेश करता है वो खुदा इज्जत का ज़रिए मोला फरमाते हैं कफा बेज्ज़न अन अकून ला आपदा खुदाया इज्जत के लिए इतना बस कि मैं तेरा बंदा हूँ किसी और का बंदा होना जिल्लत है खुदा का बंदा होना इज्जत है वो कफ अली फख्र अन अकून तकली रब मेरे लिए फ्र के लिए इतना बस कि तू मेरा रब है फरमाते हैं हबनी सबर तो अदाबिक खुद फ़र्ज करो मैंने तेरे अज़ाब को बर्दाश्त की फ़कीफ़ असर अला फ़रा तुझसे जुदाई को मैं कैसा बर्दाश्त कर सकूँ जहाँ नम बर्दाश्त कर सकूँगा लेकिन तुझसे जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ अब नज्लाक खुदा आशिक खुदा है नहजागा फरमाता इंसान आशिक खुदा होना चाहिए साथ नजर फरमाता है कि इंसान उस खुदा के सामने ज़िम्मेदार है इसीलिए खूफ खुदा भी होना चाहिए खौफ खुदा भी इंसान के दिल में होना चाहिए सबसे ज़्यादा अहल बेद के दिल में खौफ खुदा हो जहन्नम को खौफ नहीं है आजमत खुदा की वजह से खौफ खुदा दिल में पैदा होना मौला फरमाता हैतुस्लू अनिलबहलबा तुम से पूछा जाएगा हवानात के बारे में भी और ज़मीनों के बारे में भी या नजबला ये कहता है जिस खुदा को तुम मानते हो सुरफ़ मस्जिद के हद हाँ तक नहीं है खलवत के हद हाँ तक नहीं है सजदत के हद तक नहीं है आप दुनिया भर में जानवरों के साथ कैसे पेश आएंगे दुनिया भर में ज़मीनों के साथ कैसे पेश आएंगे उसके बारे में भी क़्यामत के दिन पूछा जाएगा अभी मुसलमानों के हालत देखिए किस तरह से इंसान को खून अरजान हो गया है लेकिन नजर फर इंसान मगरबी इंसान कहते हम हकूक़ बशर के हामी है हम हकूक़ हवान का हामी है हम माहौलियात का हामिल है लेकिन नजर अलगा ने चौदह शरी पहला ऐलान किया है तुम से इंसान दो इंसान नाल मालिक अश्क के खत में फरमाता है कि इमा शबील फिल्क उमा अखल्कफ्दी व उम्मा शबी फिल्क मालिक मिस्र में रहने वाले या तुम्हारे बरदर ईमानी है या तुम जैसे इंसान है सब के साथ नेकी के साथ पेश आना है ये इंसान को हकूक़ हैवाना के फरमाते हैं तुम से पूछा जाएगा जानवरों के बारे में भी और माौलियात के बारे में फरमाते हैं तुम से पूछा जाएगा ज़मीनों के बारे में भी तो हम अली के मानने वाले नशा के मानने वाले वालों के लिए अली का यह पैगाम है जिस खुदा को मैं मानता हूँ जिस खुदा को आप मानते हैं उस खुदा के सामने आप जिम्मेदार हर चीज़ के बारे में पूछा जाएगा वल्लादिनद